हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक जो है अरब इसराइल वॉर्स, इसको हम आगे लेकर प्रोसीड करेंगे और आज आपका लेक्चर फोर्थ है। तो आए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फर्दर हमें इसमें कौन सी न्यू इवेंट्स जो है उनको समझने में जो है वो उनको समझना है हमने और उनको जानना है कि अनवर सादात के बाद जो है ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ अरब इसराइल वॉर्स है ये कहाँ तक जो है आगे फर्दर मूव किए। तो आइए चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ओके स्टूडेंट्स, आपके साथ बात हुई थी फर्स्ट इंतफादा, और इंतफादा मैंने आपको बताया था कि ये जो मूवमेंट लॉन्च की गई थी बाय दी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, और अब जो है देन ये अब टाइम गुजरता गया और 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स हुए, इससे पहले कैंप डेविड अकॉर्ड्स हुए थे, और उसके बाद जो है जिसमें हमने देखा कि इजिप्ट और इसराइल के दरमियान जो है वो कुछ जो है CBMs पे काम हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग्स पे, और जिसमें जो है कोशिश की गई कि इसराइल और जो इजिप्ट है इन दोनों के दरमियान जो एक ताल्लुकात हैं इनके ये नॉर्मलाइज किए जाएँ। ज़ाहिर बात है कि ये जो चीज़ थी ये टोटली जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं थी बाय दी इजिप्शियन पीपल, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जो है आप इसराइल की जो स्टेट है उससे या इसराइल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे आप हैंडशेक करें, जो कि आपको इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता। ओके, देन ओस्लो अकॉर्ड्स होते हैं, ओस्लो इज़ द कैपिटल ऑफ नॉर्वे, और वहाँ पर प्रेजिडेंट क्लिंटन जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेजिडेंट जो है उन्होंने जो है एक ट्रीटी जो है उसको जो है वहाँ पे जो है अप्रूव किया, पीस एग्रीमेंट बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देन पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है रिकॉग्नाइज्ड इसराइल राइट टू एग्जिट एंड रीनाउंस्ड यूज ऑफ वायलेंस। फर्दर जो है उन्होंने जो है पैलेस्टीन जो PLO है उन्होंने दे गोल नाउ अ पैलेस्टाइनियन स्टेट नेक्स्ट टू इसराइल। देन ओस्लो अकॉर्ड्स जो हैं बेसिकली लैंड फॉर पीस इसको कहा गया, और इसराइल जो है उसने एग्री किया टू ग्रेजुअल पैलेस्टीनियन सेल्फ रूल इन गाज़ा एंड वेस्ट बैंक एज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट। इसराइल ने कहा कि आप जो है अपनी गवर्नमेंट जो है वो रूल आउट अप कर सकते हो, लेकिन गाज़ा एंड वेस्ट बैंक जो आज भी आप देख रहे हैं मगरबी किनारा या गाज़ा स्ट्रिप जिसको कहा जाता है मगरबी पट्टी, ठीक है, वहाँ पर आप जो है रूल आउट कर सकते हो, और उसमें जो है आप इससे आप इन एरिया से बाहर आप गवर्न नहीं कर सकते। देन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी क्रिएटेड टू गवर्न पैलेस्टीनियन टेरिटरी, यासिर अरफात जो है बिकम फर्स्ट लीडर ऑफ द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। तो यासिर अरफात जो है जो लीडर थे पैलेस्टीनियन जो है जो इसको लीड कर रहे थे इस मूवमेंट को, ही बिकम द फर्स्ट लीडर ऑफ द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। ओके, देन हमने देखा कि 2000 से लेकर फ्रॉम 2002 2005 हमने सेकंड इंतफादा देखा, जिसमें जो है अब ये फर्दर मूवमेंट्स के वो फेजेस हैं जो आपके साथ डिस्कस हो रहे हैं। क्लिंटन ने एक्सेप्ट किया टू रीच फाइनल सेटलमेंट बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीनियन इन 2000 बट फेल्ड, वो फेल्ड हुआ, और जिसने जो है इस एक अपराइजिंग को जो है वो जन्म दिया, एंड दैट वॉज लेड टू द सेकेंड मोर वायलेंट पैलेस्टीनियन अपराइजिंग, जिसमें डजन ऑफ सुसाइड बॉम्बिंग इन इसराइल एंड इसराइल ट्रैक डाउन इन गाज़ा वेस्ट बैंक लेफ्ट थाउजेंड डेड, और ये डेड भी इंतफादा था जिसमें हज़ारों लोगों ने जो है पैलेस्टीनियन लोगों ने दिन लॉस देन लाए। देन द थर्ड बेसिकली इन 2005 इसराइल ने जो है अपने जो गाज़ा है जो गाज़ा स्ट्रिप है वहाँ पर सेटलमेंट्स जो है वो शुरू किए, और वहाँ पर ये जो वॉल बिल्डिंग है 2005 से बड़े बड़े कंक्रीट वॉल से इन्होंने जो है वो अपनी जो है वो पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया अपने एरियाज़ को, और इलीगली वहाँ पर जो है वो जो है अपनी सेटलमेंट्स स्टार्ट कर दी, मीन्स के अपने घरों का जो है उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी जो कि इलीगल थी, और इसको बेसिकली जो है कंस्ट्रक्शन इसकी हुई बिकॉज ऑफ उनका कहना था कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है, और जो कि वेस्ट बैंक
हमास को सेपरेट करेगी फ्रॉम इसराइल, ठीक है। ये वेस्ट बैंक और इसराइल के दरमियान ये जो है एक वॉल क्रिएट की गई, जिसने जो है इसको कहा गया कि सेपरेट करेगी। देन फर्दर जो है हमने देखा कि 2006 में लेबनान वॉर होती है, ये भी एक बहुत जो है डेडलीस्ट वॉर थी, जो है हिजबुल्ला जो कि मूवमेंट वहाँ पे चल रही थी, एक पार्टी है जो कि ऑपरेट कर रही है, और जिसने जो है अटैक किया इसराइल के सिविलियन एरियाज को विद रॉकेट्स एंड किल्ड 8 इसराइली सोल्जर्स। इसराइल ने जो है रिस्पॉन्ड किया बॉम्बिंग एंड इन्वेडिंग लेबनान अगेन टू डिस्ट्रॉय हिजबुल्ला, ठीक है, जिसमें जो है ये तकरीबन 1 month तक ये जो है इनकी वॉर जो है वो कैरी ऑन थी, जिसमें जो है 1,500 पीपल दे लॉस्ट। देन बिफोर यूएन ब्रोक सीज फायर एक्ट, तो ये इनके दरमियान ये इश्यूज दे वर बीइंग। देन 2008 में जो है बताया जाता है कि जो वॉर गजा में इस वक्त हो रही थी, और जिसमें ऑलमोस्ट डेली रॉकेट्स अगेंस्ट इसराइल टाउन्स जो हैं, इसराइल के जो टाउन है उसको टारगेट किया जा रहा था, और रिस्पॉन्ड में जो है एयर स्ट्राइक्स और ग्राउंड स्ट्राइक्स से अगेंस्ट हमास, जो हमास के मूवमेंट है जो गवर्नमेंट है वहाँ पर पैलेस्टाइन में, और कहा जाता है कि 3 week लॉन्ग वॉर किल्ड 1,400 पैलेस्टाइनियंस एंड 13 इसराइलियंस। देन बोथ साइड एक्यूज ऑफ द वॉर क्राइम, एंड कहा जाता है कि इन दोनों के जो है प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ जो हैं वो इसी तरह ही चलते रहे थे। ये आपके साथ यहाँ पर कुछ ग्राफ है 2014 तक, ये डेट ग्राफ है बेसिकली कि 2014 तक जो है तकरीबन ऑलमोस्ट 2,000 पीपल जो हैं दे लॉस्ट देयर लाइफ, और इतने परसेंट इतने रेशो है, और ये बहुत बड़ी रेशो है, और जो एक क्राइसिस चल रहा है बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टाइन, तो उसमें ये उसका आउटकम है। इसराइली डेथ्स आप देख सकते हैं कि बहुत कम है, 2014 तक जो है ऑलमोस्ट जो है वो 60% 65% तक, तो ये साफ इससे पता चलता है कि जो है इसराइल क्या चाहता है और इसराइल की क्या एम्स हैं, कि इनोसेंट पीपल जो है उनको इस तरह उसने जो है वो बम्बार्ड कर रहा है, और उनके जो राइट्स हैं बेसिकली वो वायलेशन हो रही है वहाँ पर। ओके, तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे भी चलेंगे, लेकिन इट्स इनफ फॉर टुडे, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क क्वेश्चन इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड एज वेल एज इन क्लास रूम। आई होप कि आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिल रहा होगा, और इसको फर्दर भी मैं आगे प्रोसीड करूँगा इस लेक्चर को अपने नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। और फॉर नेक्स्ट टाइम टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम।